हेलो व्यूअर्स, आपका स्वागत है माय चैनल वोल्ट 240 मैग में। ये एक पंप है, आप सेलोवेल का पंप समझ सकते हैं। इसका पंप जो है प्रेशर नहीं दे रहा था, और इस पंप को हम लोग अभी बनाएंगे और दिखाएंगे, पानी का प्रेशर भी दिखाएंगे आपको। व्यूअर्स, इसको हमने ओपन कर लिया था, इसका आगे का हेड, और इसका जो है शाफ देख सकते हैं। इसमें इसके शाफ को हमने जो है साफ कर लिया है, अच्छे से रेगमाल मार लिया है। अब हम इसमें जो है वाटर सील लगाएंगे और इसके जो है एम्पलर को फिट करके इसका पंप को ओके करेंगे। ठीक है व्यूअर्स, देखते रहिए आप। सबसे पहले इसकी सील बदलते हैं, वाटर सील। तो व्यूअर्स, हमने एक जो है वाटर सील ले ली है, देख सकते हैं आप। ये देखिए, एक वाटर सील ले ली है, इसकी ओरिंग है ये। इसमें एक लॉक मिलती है, लॉक ले लिए, इसको अलग रख लेते हैं। अब इस वाटर सील को व्यूअर हम पंप में लगाएंगे, जो हमने वाटर सील ली थी। चलिए इसकी वाटर सील फिट करते हैं। व्यूअर, हमने इसमें इस तरह से ग्रीस लगा ली है, उसको जो है पुश कर देंगे अंदर। एक पाइप ले लिया है, पाइप के सहारे इसको हम वाटर सील को पुश कर देंगे अंदर। ये वाटर सील व्यूअर्स अंदर बैठ गई है, ये हमारी वाटर सील अंदर बैठ गई है। अब हम इसका एम्पलर लगा देंगे। इसको अब हम लिटा के शेप में रख लेंगे। व्यूअर्स, ये चाबी लगा लेते हैं इसमें। अब हम इसको लॉक के सहारे इसको बिठा लेंगे। व्यूअर्स, ये हमारा एम्पलर इसमें बैठ गया है। हल्का सा बॉन्ड डाल दें, ये बार सब जो है हम इसका जो है अंदर नट लगा देंगे। ये हमने इसका नट लगा दिया है। इधर वाटर सील हमारी लग गई है, एम्पलर हमारा लग गया है। अब हम इसकी ओरिंग नहीं लगाएंगे, उसको फिट करेंगे, फिर इसका पानी चेक करेंगे अब कि हमारा प्रेशर ओके हुआ कि नहीं हुआ। हमने ये एक ओरिंग ले ली है, ये ओरिंग हम इसमें लगा देते हैं। अब इसका जो है ऊपर का सेक्शन पंप लगा के हम इसको फिट करेंगे।